लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पंडित जी कहाँ हैं? वो तो चौपाल पर गए हैं। क्या बात है? बाबा की दशा बहुत गंभीर है, उनके मुंह पर केवल पंडित जी का ही नाम है। क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ। ठीक है, तुम चौपाल पर जाकर पंडित जी को बुला लाओ, मैं आश्रम जाती हूँ। जी अच्छा। जाओ। बाबा आप ठीक तो है बाबा? रत्ना तू आ गई, रत्ना अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तुलसी नहीं आया? वे आते ही होंगे। ये आपको क्या हो गया बाबा? कुछ नहीं पगली, तेरी आंखों में आंसू क्यों? बाबा मनुष्य का नाश नहीं हो सकता, फिर उसके न रहने पर कोई अनाथ कैसे हो सकता है? सभी का स्वामी परमात्मा है। तुम सदैव परम पिता का स्मरण करती रहना, वही सबका पिता है। अब मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। कहिए बाबा। दुख और सुख, यश और अपयश, ये जीवन की गाड़ी के पहिए हैं। दुख में कभी व्याकुल न होना और सुख में कभी बहराना मत। यश की कामना में कभी दुराचारी न बनना, अपयश से मन को दुखी न करना, क्योंकि जो होता है वो तुम्हारे वश की बात नहीं है। ये सब परम पिता की लीला है, तुम्हारे ज्ञात अज्ञात कर्मों का फल है। हाँ बाबा। और ये स्मरण रखना, तुम पृथ्वी पर अकारण नहीं आई हो, एक महान कार्य के निमित्त बनने के उद्देश्य से इस धरा पर आई। मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ बाबा। कल रात हनुमान जी ने स्वप्न में मुझे यही उपदेश दिया था। हनुमान जी तेरे सपने आए थे? हनुमान कितने दयालु है आप, प्रभु आप कितने दयालु है। आप कुछ कह रहे थे? जन्म काल से विवाह
होने तक। तुलसी जिस भक्ति भावना में रम रहा था, विवाह के पश्चात उसी भक्ति भावना से उसका मोह भंग हो गया है। ऐसा लगता है वो अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटक गया है। उसे सन्मार्ग पर केवल तू ही ला सकती है। तुझे माता सीता की तरह अपने सुखों का बलिदान करके तुलसी के लिए प्रेरणा का संकल्प लेना होगा। तुझे राधा की तरह प्रेम रस की मान प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए तुलसी के लिए त्याग करना होगा। उद्देश्य के प्रति सजग होने की प्रेरणा देनी होगी। तुलसी को अनेकों महान कार्य करने हैं। प्रभु का संदेश घर घर पहुंचाना है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुलसी आ रहा है। तुलसी आ रहा है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने मेरी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, नारी का बड़ा महत्व होता है। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो और रत्ना जी संभालती है। हाँ बाबा। तुलसी तू आ गया। हाँ बाबा मैं आ गया। बाबा मैं इस अश्वशरी का त्याग कर। नहीं बाबा। बाबा 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 इस राम सेना आश्रम का सारा उत्तरदायित्व मैं तुम पे छोड़े जा रहा हूँ। तुलसी नहीं बाबा नहीं। पूजा भक्ति और कथा वाचन परंपरा निभाना। अवश्य निभाऊंगा बाबा। कोई ऐसा कार्य न करना जिससे मेरी आत्मा को कष्ट हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा बाबा। मेरा समय हो गया है। नहीं बाबा। जय भोलेनाथ। नहीं बाबा। जय भोलेनाथ। बाबा नहीं। बाबा 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 जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर।
बाबा, गुरुदेव हमें छोड़कर चले गए बाबा, गुरुदेव। बाबा, गुरुदेव आ समय हमें छोड़कर चले गए बाबा, बाबा। नहीं तुलसी, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए, इन्होंने तो मात्र अपना शरीर त्यागा है, इनका समय पूर्ण हो चुका था, इसलिए इनके लिए दुख है। अब वहां भी बताइए बाबा, मैं क्या करूं बाबा? अपने आप को संभालो और दरहरी बाबा की धर्म धरोहर को आगे बढ़ाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अपनी पत्नी रत्ना को धीरज दो और इस मोह के दलदल से बाहर निकलो। बाबा की ब्रह्मलीन आत्मा की शांति के लिए अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम सबका कल्याण है। आयुष्मान बाबा, आयुष्मान बाबा, इस युग में धर्म की ज्योति जलाते रहो, तुम्हारा कल्याण है। क्या सोच रही हो? पापा, आवागमन तो संसार का नियम है रत्ना, जो एक बार चला गया उसका लौटना संभव है। वैसे भी बाबा वृद्ध हो चुके थे, उनके जाने का समय आ गया था। न जाने क्यों मुझे आभास होता है कि बाबा की आत्मा यही कहीं आसपास है, वो हमें देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। रत्ना, बाबा के बारे में सोचना व्यर्थ है।
देख रहा हूं कि दो एक दिन से तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो। कहां चले? मुझे जाने दो। ऐसे मत देखो रत्ना, मेरा हृदय टूक टूक हो जाता है। नहीं देखूंगी, परंतु आपको भी अपना पागलपन छोड़ना होगा। आश्रम में बाबा का काम संभालना होगा। रत्ना, भगवान और धर्म की बातों में अब मेरा मन नहीं लग रहा। बाबा को वचन देकर भी नहीं, उनके जाने के बाद भी नहीं? नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बात मान लीजिए, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कीजिए। रत्ना, रत्ना तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी विवशता को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ,